as your message to the younger generation? Yeah, the message is have faith in yourself, work very hard, and जो आपने सोचा अगर इधर उधर हुआ तो डोंट गेट पैनिक, हैव वन फेथ, आई मीन वन गोल, एंड एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप राइट इट डाउन कि आई वांट टू डू दिस 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 इज माय एम. सो व्हेन एवर यू गेट अप जस्ट रीड इट वंस कि व्हाट यू वांट टू बी इन फ्यूचर, एंड होल डे यू आर वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड जो कुछ भी किया, एंड व्हेन यू अगेन गो टू बेड अगेन यू हैव अ लुक एट द सेम चार्ट कि this I want to become this is aaj whole day what you have done towards it, aap kahan tak pahunche ki aapne ye karna to soch liya magar iske to achieve it kya kya kiya aaj pura din mein, are yaar ye sab kiya theek hai. So ye itna to I want that sab kuch kar, I mean every youngster should do it, and it will be very easy to achieve your goal if you daily at least spare 10 to 15 minutes about it, thinking about it, and this is the easiest way. When you get up, have a look, or I mean work whole day, you work very hard towards it, so it is as simple as this. When you get up, have a look, work hard whole day, and when again when you go to bed, just think what you have done whole day towards your goal. Harish ji, aapne south pe kitni filmein ki hai aur hindi filmon mein kaise aaye? Dekhiye, jaisa maine apna career जब मैं 5 साल का था तब से शुरू किया है, मैंने 3-4 ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी काम की है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कब से काम करते आ रहा हूँ. मेरी उम्र 27 है अभी, आई मीन इसमें से 22 इयर्स तो इंडस्ट्री का ही एक्सपीरियंस है. अब तक कुल मैं करीब 250 से ज़्यादा फिल्में काम किया है, उसमें कुछ 40 पिक्चरें होंगे एज ए हीरो, आई मीन तेलुगू, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी सब मिला के कुल 40 पिक्चर होना चाहिए एज अ हीरो, बाकी सब चाइल्ड आर्टिस्ट जैसे थे. हिंदी फिल्मों में जैसा होता है ना कि साउथ में काम कर रहा हूँ, बहुत सारे फिल्में कर रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आप ज़्यादा हिंदी फील्ड में सूट करते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है, आई मीन यू लुक लाइक ए पंजाबी गाय, एंड आई मीन ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो हर एक साउथ इंडियन में, आई साउथ इंडियन एक्टर नहीं कर सकता हिंदी में, एक टिपिकल लुक होता है. इन भगवान की दया से ऐसा कुछ लुक है कि मैं आई कैन लुक लाइक ए साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन, आई सब जगह आई मीन चल सकता है. तो बचपन से लोग बोलते हैं तो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि जितना जल्दी हो सके मैं हिंदी फिल्म में एंटर करूँ एज ए हीरो, एंड माँ बाप की दया से मौका मिली मुझे बहुत जल्दी से, एंड मैं हीरो बन गया यहाँ पर. आपकी आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, उनके बारे में कुछ बताएं? आने वाले फिल्में तो बहुत सारे हैं, भीष्मा, आर्मी, आशिक मस्ताने, देन हेरा फेरी, आंटी, और 3-1, बंदगी, बहुत सारे फिल्में जिनके अभी नाम भी नहीं रखा फ्लोर पे हैं, एंड दूसरी एक फिल्म है बुलंदी, बहुत सारे फिल्में हैं. हरी जी, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है, अगर हाँ तो किससे? आपने ये नहीं पूछा कि लड़की या लड़का प्यार लड़कों से भी होता है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि लड़कियों के बारे में आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ. सुबह जब उठता हूँ तो 5 मिनट जब बाथरूम में जाता हूँ तो मैं अपने आप से बहुत देर बात करता हूँ, तो इसे आप समझ सकते हैं कि मैं कितना अपने आप से प्यार करता हूँ, और करना भी चाहिए. बीइंग ए एक्टर, मुझे अपने आप को आईने में देख के बहुत अच्छा लगना चाहिए, और मेरे डिफेक्ट्स मुझे मालूम होना चाहिए, और हरीश का फ़ैन है बस. आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग तो बहुत लंबा है, और मैं अपने आप को बोल के कमिट नहीं करना चाहता हूँ. जैसे कि बचपन में किसी को पूछ लिया तो बोल दिया कि मैं क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ भी बोल देते हैं, बोलने में क्या जा रहा है. मगर बाद में जब वो बनते नहीं, जो क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है वो फुटबॉल प्लेयर बन जाता है, बाद में आप पूछते हैं कि आपने उस टाइम में ये बोला था कि आपने क्रिकेट प्लेयर बनेंगे, तो इस
इस तरीके से मैं बोलना नहीं चाहता अपने आप को, मगर मेरा जो लाइफ गोल है, अचीवमेंट जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो मुझे मालूम है, और मैं किसी भी हालत में, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मगर मेरा गोल एक ही है, एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट, एंड जिस दिन मैं अचीव करूँगा आपको अपने आप पता चल जाएगा, सीधी सी बात है। ऋषि, आप हीरो होने के अलावा क्या कोई बिजनेस भी करते हैं? अगर हाँ तो क्या, अगर नहीं तो आगे चलकर करेंगे? देखिए मुझे बिकॉज बीइंग इतने 20 साल से ज़्यादा इसी फील्ड में हूँ मैं, और मुझे कोई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है कोई कि आप ये बिज़नेस करिए फ्री में करिए, तो भी मैं नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। बी आई मीन मैं जो भी आज कमाया हूँ, जो भी मैं खा रहा हूँ, जो भी मेरा घर है, जो भी जो जो कुछ भी मेरे पास है, वो सब इसी फील्ड से मुझे आया है। तो मैं नहीं चाहता कि इस फील्ड का पैसा लेके मैं किसी बिल्डिंग में रख दूँ या कोई फैक्ट्री में इसमें से रख के, आई वॉन्ट टू पुट इट अगेन इन टू दिस वन, ताकि इन जितना मैंने कमाया उसे इसी फील्ड में रख के इससे ही कुछ बिजनेस करूँ। ये भी सबसे आजकल बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसकी वजह से जैसे मैंने दूसरों के जरिए मैंने कमाया है, मेरे जरिए भी बहुत सारे लोग कमाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वेदर द फिल्म रन्स आर नॉट, मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू टेक इट एज ए बिजनेस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगर जब पैसा बहुत कुछ आ गया मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से भी एक 10-15 लोग और जिए, और वो लोग भी सेटल हो जाए तो अच्छा लगेगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं, जैसे कौन कौन है आपकी फैमिली में और क्या करते हैं? देखिए दुनिया में भगवान तो है ये, मगर मेरे हिसाब से भगवान के बाद आप बोलिए माँ बाप हैं, और आई एम वेरी प्राउड दैट माई पेरेंट्स आर रियली सो ग्रेट दैट उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि हर पेरेंट्स करते हैं, मगर बेटा होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किया मेरे पीछे, और आज जो भी हूँ उनके वजह से मैं घर में बड़ा लड़का हूँ। मेरे बाद एक भाई है, उसने भी फिल्मों में काम किया है, नाउ ही स्टडिंग, एंड उसके बाद बहन है और छोटा सा भाई है। सब लोगों ने फिल्मों में काम किया है, आई मीन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बाद में किसी ने कंटिन्यू नहीं किया है, सब पढ़ रहे हैं अभी। अरे जी, अगर आप लड़का होकर लड़की हो तो कैसा महसूस करें? अपने आप को गोली मार देता था। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों से प्यार नहीं है, लड़कियां अच्छे लगते हैं, मैं आई मीन कोई शेर ये नहीं चाहेगा कि कभी मैं सोचूं कि शेर नहीं कहे, आई मीन इट्स वेरी आई कॉन्ट इमेजिन। अरे जी, आप अपने आप को एज ए हीरो किस मुकाम पर पाना चाहते हैं? देखिए हीरोज़ तो बहुत आते रहते हैं, बहुत आ चुके हैं, कल भी बहुत आएंगे। कोई हीरो बोलेगा मैंने 400 पिक्चर काम किया, कोई हीरो कल बोलेगा बोल सकता मैंने 1000 पिक्चरें काम किया, मगर आई वॉन्ट टू बी लाइक समथिंग लाइक राज कपूर, गिनती में नहीं, आई मीन उन्होंने जितने भी पिक्चर किया है, जितने भी पिक्चर डायरेक्ट किया है, आई मीन आई एम ए बिग फैन ऑफ, आई मीन उनसे तो कभी मिला नहीं ना मैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे, मगर आई लाइक हिम वेरी मच, आई वॉन्ट टू बी समवेयर नियर बाई दैट। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड बहुत दूर है मेरे से, उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, उन्होंने जो करके रखा है अपने नाम को जिस जगह पे रखा है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सम वॉट आई वॉन्ट टू बी समवेयर इन इन हिज स्टाइल ऑफ लाइफ, आई मीन। और हीरो सिर्फ कैमरा के सामने हीरो बन के हीरोगिरी दिखाना ठीक है, मगर पीछे भी हीरो होना चाहिए, पीछे मीन्स एज अ डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए टेक्नीशियन, आई फील ही इज़ द रियल हीरो। बस काम किया सामने, मेकअप डाल के पैसा कमा लिया, अंदर डाल दिया, 2-3 फ्लैट और खरीद लिया, ये नहीं, थोड़ा पीछे भी रखे, थोड़ा पैसा डाल के मेहनत करने में अच्छा लगता है। हरीश जी, अगर आपको अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिले और आपका रोल सोसो हो, तब भी क्या आप फिल्म करेंगे? 100% क्यों नहीं करूं, क्योंकि देर इज नो कंपैरिजन। अमित जी हैं, ही इज 50 एंड आई एम 27, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस,
अगर उनका उनका छोटा रोल और मेरा बड़ा रोल दिया गया तो भी, आई मीन अगर मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करूं फिर भी कंपैरिजन, बिकॉज ही इज मास्टर, ही इज अ लेजेंड, ही इज प्रूव्ड, तो उनसे मेरा क्या कंपैरिजन है। और उनके साथ मुझे एक अगर एक शॉट करने का भी मौका मिला, एंड अगर वो एक शॉट में मैं प्रूव कर सकता हूँ कि आई एम एन एक्टर, ऐसा वैसा नहीं, मैंने जो किया एक शॉट जो दिया इट्स अ परफेक्ट, एंड कल लोग याद रखेंगे इस एक शॉट को, तो 100% करूँगा। इट इज मे बी कुछ डायलॉग भी ना हो, मगर आई वॉन्ट टू शो दैट आई एम हरीश। अभी जी के साथ करना मौका मिला, बिकॉज क्या होता ना कि इंडस्ट्री में बहुत आजकल, आई एम नॉट आउट ऑफ दिस स्कूल, मैं इस जनरेशन का स्कूल का नहीं हूँ, बिकॉज मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, तो मेरा स्कूल डिफरेंट है, दो आई एम यंग बट मेरा थिंकिंग डिफरेंट है, और क्योंकि टाइम आया तो सब कुछ ठीक हो जाती है। आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी च्यूजी कि ये करूँगा ये नहीं करूँगा वो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनके साथ मौका मिला तो 100% काम करूँगा। मैंने आज तक कमल हासन के साथ काम किया, शिवाजी गणेशन के साथ काम किया, कमल हासन के साथ मैं हीरो हूँ, कमल हासन गेस्ट रोल है पिक्चर में, फिर भी आई मीन एंड शिवाजी गणेश लेजेंड्स के साथ मैंने काम किया है, ये कभी नहीं सोचूंगा। अगर उनके साथ मौका मिला अमित जी के साथ तो आंख बंद करके काम करूंगा। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों को फिल्मों से सिर्फ गलत सीख ही मिलती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ में अच्छा बुरा तो होता ही है। जैसे कि इंडिया कभी मैच हार जाता है तो उसका रिएक्शंस क्या होता है, पूरा दिन काम करने का दिल ही नहीं बोलता, ऐसा लगता है कि प्लेयर्स मिले तो उनको मारे पकड़ के। और अब अच्छी तरीके से जब जीतते हैं तो उसका उसका ये भी होता है क्या देश है क्या है, हम लोग जब ऊपर जाके पटाखे फोड़ेंगे बाहर और बोलेंगे ये है दया हूँ, तो होते रहता है अच्छा बुरा। तो जैसे कि फिल्म है तो एक थिएटर में एक छोटा बच्चा भी देख रहा होगा फिल्म, एक बूढ़ा भी देख रहा होगा, हर किस्म के उम्र के लोग एक फिल्म देखते हैं, तो अपना हिसाब से लेते हैं उसका कुछ अकल मुझे तो अच्छा लेगा। और बट आई डोंट एग्री विद इसकी फिल्मों से कुछ बुराई होता है, ऐसा नहीं होता। हरीश जी, आपने इतनी सारी फिल्में की हुई है, क्या आपको नहीं लगता इन फिल्मों के दौरान आपने कोई गलत फिल्म साइन की है? लगता है क्या है? किया है, बहुत सारी गलत फिल्में की है, और होता है कि चाइल्ड आर्टिस्ट है, बचपन से काम करते आ रहा है, किसी ने बोल दिया कि चाइल्ड आर्टिस्ट, बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट आके गए हैं, मगर आप तो हीरो नहीं बन सकते, आप बन ही नहीं सकते, और आप तो आई मीन हाइट में, ऐसा बचपन में दो तीन लोगों ने बोला है मुझे, बड़े लोग हैं तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकते। तो मुझे हर्ट हो गया अंदर से, यार मुझे हीरो बनना ही बनना है, दिखाना है, पहले इन तीन लोगों को दिखाना है, बाद में देखा जाएगा। तो जो फ्रस्ट्रेशन आर्टिस्ट के अंदर जब होता है कि ये किसी ने बोल दिया तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तो होता है कभी कभी गलतियाँ होता है, और गलतियाँ होना भी चाहिए कि जब भगवान आपको सही टाइम देगा तब आप ये गलतियाँ सब करके इसको कैसे सुधारना है सीख के, जब आप रेडी रहेंगे तब भगवान असली टाइम देना चाहिए। टाइम पहले दे दिया बाद में गलतियाँ मिले तो बहुत लफड़ा हो जाएगा फिर। तो इसलिए मैंने दो तीन बार बहुत बुरी तरह से गिरा हूँ, फिर उठ के खड़ा होकर फिर अपने आप को ठीक करके फिर दौड़ रहा हूँ, तो आई एम एन्जॉइंग इट, बिकॉज उसमें जो मज़ा है, आई मीन रियली इट इज थ्रिलिंग, एंड मेरे पास वक्त बहुत है, मुझे कोई घाई नहीं है, और दो तीन बार गिरने के लिए भी तैयार हूँ, मगर आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल।